डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगदीप है और मैं पैदा तो भारत में हुआ था लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रह रहा हूँ। 30 साल पहले मैं स्टडी वीज़ा पर यहाँ पर आया था और उसके बाद बड़े बड़े सपने देखने लगा था कि मैं ढेर सारी कमाई करूँगा और पूरी ज़िंदगी सुख सुविधा में बिता पाऊँगा। लेकिन हर बार आपके सपने पूरे नहीं होते। यहाँ आकर समझ में आया कमाई ज़्यादा हो रही है तो खर्च भी ज़्यादा हो रहा है, मुझे कुछ अलग करना चाहिए। मैं भारत में पंजाब प्रांत का रहने वाला हूँ और वहाँ पहले खेती किया करता था, तो मैंने सोचा खेती करना मेरे लिए सही यहाँ नहीं हो सकता। मैं ढूंढने लगा वो स्टेट्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती की जाती हो। मैं अब अपना पसंदीदा काम तो कर पा रहा था लेकिन उसमें ज़्यादा कमाई नहीं हो पा रही थी। तब मेरा दिमाग चलने लगा क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूँ जो बाकी पसंद करते हो। तो मैंने एक खाद सामग्री बनाने वाली कंपनी शुरू की और धीरे धीरे तरक्की के रास्ते पर बढ़ता चला गया। मैंने शादी की थी लेकिन वो शादी आगे बढ़ नहीं पाई। मैं अकेला रहना शुरू हो गया। और जब आप कोई बड़ा काम करते हैं ना, आपको कोई साथी की ज़रूरत होती है। मुझे भी उस समय एक साथी की ज़रूरत थी, मुझे वो साथी मिला नहीं। मैंने खुद को ही अपना साथी बना लिया। तब से 30 साल हो चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा कमाई कर चुका हूँ। मेरे पास बड़े बड़े घर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हर स्टेट में मौजूद है। लेकिन फिर भी मैं ऐसी जगह रहना पसंद करता हूँ जहाँ कोई मुझे पहचान ना सके। मैं अलग थलग रहकर अब अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता हूँ। मेरी उम्र 55 साल है और मुझे गार्डन बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं खुद को गार्डनर कहता हूँ। अब मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं होती, मेरी कंपनी तो चल ही रही है। मैंने CEO भी रखा हुआ है, कई मैनेजर्स भी रखे हुए हैं जो कभी कभी कई महीनों बाद मुझे फ़ोन करते हैं और मैं उनसे कुछ बात कर लेता हूँ। लेकिन मैं हर बार नया घर खरीदना पसंद करता हूँ। जब आपके पास ढेर सारी कमाई हो, आप पसंदीदा काम करते हैं। घर खरीदने के बाद पीछे बड़ा सा गार्डन बनाना और वहाँ फल सब्जियाँ लगाना, उन्हीं फल सब्जियों को खाना, इस तरह कुदरत के बीच रहना ऐसा एहसास देता है जैसे आप भी कुदरत का ही हिस्सा हैं। इस बार मैंने फ्लोरिडा के एक छोटी सी टाउन में एक घर खरीदा था। पीछे बड़ा सा गार्डन था, अभी बना नहीं था, मुझे जाकर बनाना था। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। छोटा सा टाउन, 50 घर थे वहाँ पर, अच्छी अच्छी सड़कें थी। लोगों ने घरों के बाहर बहुत ज़्यादा पेड़ लगा रखे थे और मैंने ध्यान दिया हर किसी ने घर के पीछे कुछ सब्जियां उगा रखी थी। सबको यहाँ गार्डनिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी और ऐसे लोगों के बीच रहना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। लोगों को गार्डनिंग बिल्कुल पसंद नहीं होती। लोगों का मानना है कोई और काम करो, ढेर सारी कमाई करो, उसके बाद बाजार से खाने पीने की चीज़ें लेकर आओ। लेकिन हमें खुद गार्डनिंग करनी चाहिए क्योंकि कुदरत को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें लगता है इस दुनिया में हम इंसान ही ज़रूरी हैं, लेकिन ये हमारी आँखों पर पड़ा हुआ वो पर्दा है। हम तो इस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा हैं, ऑर्गेनिज़म, इस दुनिया के अलग ऑर्गेनिज़म जिनकी ज़रूरत बस इतनी ही होती है कि हम भी एक तरह से यहीं पैदा होते हैं, यहीं मर जाते हैं और हिस्सा बनते हैं किसी बड़े ऑर्गेनिज़म का। इस तरह दुनिया चलती आ रही है। जब उस घर में मेरा थोड़ा सा सामान रखवाया जा रहा था ना, आस पड़ोस के लोगों ने मेरी मदद करनी शुरू कर दी। यहाँ ज़्यादातर बुजुर्ग ही थे, वो मेरी मदद करवा रहे। कोई भी जवान लड़का नज़र नहीं आ रहा था। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो टाउन के बाहर कहीं और काम करने के लिए जाते हैं, शाम के वक्त वापस आते हैं। बुजुर्ग लोग जिनकी संख्या 15 थी, हर किसी की पीठ में थोड़ा थोड़ा दर्द था। भारी चीज़ें वो उठा नहीं पा रहे थे, फिर भी उन सब ने मिलकर मेरी मदद की। सीधे खड़े होकर ही वो सारा फर्नीचर का सामान घर के अंदर रखवा दिया। मैं सबका धन्यवाद कर रहा था और उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया। शाम के वक्त यहाँ टाउन हॉल में सभी इकट्ठा होने वाले हैं। आपके बारे में भी सबको बताया जाएगा कि नए पड़ोसी आए हैं टाउन हॉल में रहने के लिए, आपका स्वागत किया जाएगा। मैंने भी हामी भर दी, लेकिन मैंने अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताया। मैं अपनी पहचान सबको बताना पसंद नहीं करता। साधारण इंसान बनकर उन्हीं के बीच रहना पसंद करता हूँ। जैसे ही शाम हुई मैं टाउन हॉल पहुँच गया। वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, लगभग 50 से 60 लोग थे, ज़्यादातर बुजुर्ग। लेकिन इस बार मैंने कुछ जवान लोगों को भी देखा जो अपने ऑफिस के कपड़े डालकर ही यहाँ पर आए हुए थे। शायद छुट्टी हुई होगी काम पर और सीधा यहीं पर आ गए। वहाँ बातें चलने लगी और मेरे बारे में सबको बताया गया। सब लोग तालियां बजा रहे थे कि एक और परिवार का नया सदस्य आ चुका है। सब खुश थे और उनसे बातें करना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन पहली बार एक नया एहसास किया था मैंने। मैं जिस भी टाउन में जाता था, जिस भी शहर में जाता था, लोगों को गार्डनिंग पसंद नहीं होती। उनमें से कुछ होते हैं जो घरों के पीछे सब्जियां लगाते हैं और उन्हें भी ज़्यादा गार्डनिंग पसंद नहीं होती। मजबूरी में ये काम करते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा डॉलर नहीं होते। यहाँ सबको गार्डनिंग पसंद थी। सब कह रहे इस बार खास खाद का इस्तेमाल किया जाएगा और मेरी कंपनी की खाद सबको बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं अंदर से खुश हो रहा था, लेकिन कैसे बताता कि मैं उस कंपनी का मालिक हूँ जिसकी अब तारीफ की जा रही है। बातें चलने लगी। घरों के पीछे टमाटर लगाना सही होगा। टमाटर काफ़ी खराब आ रहे हैं, उन पर इंजेक्शन लगाए जाते हैं और वो दवाइयों का असर हमारे शरीर पर भी हो रहा है। मैं भी उन्हें सुझाव देने लगा और लोगों को मेरे सुझाव काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे। बातें इसी तरह से चलती जा रही थी और वो सब मुझसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे कि मुझे गार्डनिंग के बारे में इतना ज़्यादा कैसे पता है। सबको गार्डनिंग पसंद है लेकिन मुझे ज़्यादा नॉलेज है। कैसे बताता, इतनी बड़ी फर्टिलाइज़र की कंपनी खोल रखी है मैंने और इसी कारण इनकी जानकारी मुझे अच्छी लगती है। पंजाब के खेतों में जब मैं खेती किया करता था, मुझे मिट्टी पसंद थी, कैसे उपजाऊ बनानी है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगानी है, उसी समय सोचा करता था। मेरे पास कई आइडियाज़ थे लेकिन रुपए नहीं थे। जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आया, ये काम करने लगा, तब डॉलर थे मेरे पास, काफ़ी ज़्यादा डॉलर, और मैं उसका इस्तेमाल करके बड़ी कंपनी खोल पाया। वो कंपनी को खोलना एक साधारण घटना नहीं थी। मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत थी, मेरा पूरा का पूरा दिमाग था। इसी चीज़ में तो चलता है। और वो लोग इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे कि किस तरह से घर में ही खाद को बनाया जा सकता है, किस फसल के लिए कैसी खाद का इस्तेमाल किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट खाद घर पर आसान कैसे बनानी है। वो खुश। उनसे बातें करने के बाद मैं सीधा घर की तरफ निकल पड़ा था। वो बातें अभी कर ही रहे थे लेकिन मैं घर पहुंच गया। घर आकर मुझे थोड़ा आराम करना था। पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा थक गया था और सुबह मुझे वो काम करना है जो सबसे ज़्यादा पसंद है। पीछे वाली मिट्टी को खोदना है, कुछ सब्जियां लगानी है, बाज़ार से जाकर कुछ खाद भी लेकर आनी है। ये काम कल सुबह शुरू कर दूंगा। उस रात बड़ी शांति में मुझे नींद आई थी। इस टाउन में शांति बहुत ज़्यादा है। रात को कोई शोर नहीं करता, कोई म्यूज़िक नहीं बजाता, हर कोई एक दूसरे की पूरी इज्जत करता है। सुबह उठते ही बड़ा सा फावड़ा लेकर पीछे वाली मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया मैंने। पीछे की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा नरम थी, जबकि यहाँ पर बारिश हुए बहुत ज़्यादा समय हो चुका था। जैसे जैसे मैं मिट्टी खोदता रहा, मैं देखता रहा ये जो मिट्टी है काफ़ी ज़्यादा सख्त है, मुझे इसे नरम करना होगा, इसमें खाद डालनी होगी। लेकिन जैसे ही लगभग 1 फुट गहरा वो खड्डा खोदा था मैंने, ज़मीन के नीचे से हड्डियाँ निकली थी। वो काफ़ी ज़्यादा हड्डियाँ एक जगह, वहाँ पर मैंने मिट्टी डाल दी। हो सकता है यहाँ किसी जानवर को दफनाया गया हो। वहाँ पर मिट्टी डाल दी थी मैंने। थोड़ा आगे जाकर और खोदा था। थोड़ा नीचे पहुँचने के बाद वहाँ पर भी हड्डियाँ, वो हड्डियाँ ही हड्डियाँ मिल रही थी मुझे। उस गार्डन के नीचे काफ़ी ज़्यादा हड्डियाँ, और मैं थोड़ा थोड़ा घबराता जा रहा था। ये क्या, ये पूरे इलाके में इतनी ज़्यादा हड्डियाँ? ऐसी हड्डियाँ तो कब्रिस्तान में मिलती हैं। यहाँ जानवरों की ये लाशें दफनाई गई होंगी। कुछ हड्डियाँ अजीब सी हैं। ये जानवरों की ही हड्डियाँ हैं ना, इंसानी हड्डियाँ तो नहीं। मुझे लगता है मुझे पड़ोसियों को बताना होगा। अगर बात ज़्यादा खराब निकली पुलिस को भी बताना होगा। कोई ना कोई राज है इस घर का जो मुझे पता लगाना होगा। मैं जैसे ही गार्डन से बाहर निकला था, ये सुबह का वक्त था, मैं सड़क पर पहुंचा और ज़्यादातर लोग घरों के बाहर निकलकर सैर के लिए आगे बढ़ रहे थे। कुछ लोगों को रोका मैंने। मैं कहने लगा, पीछे पीछे गार्डन, वहाँ पर मैं खेती करने की कोशिश कर रहा हूँ, मिट्टी को खोद रहा हूँ तो नीचे से हड्डियाँ निकल रही हैं। एक बुजुर्ग आदमी हंसकर कहने लगा था, अरे ज़मीन के नीचे से हड्डियाँ निकल सकती हैं। अब जब कोई मरता है उसे ज़मीन में दफनाया जाता है ना, तो हो सकता है किसी जानवर को दफनाया गया हो। मैंने कहा, एक जगह निकले तो सही है ना, कई जगह से हड्डियाँ ही हड्डियाँ निकलती जा रही हैं। मुझे लगता है पीछे वाला वो पूरा का पूरा इलाका है ना, वहाँ शायद कभी कब्रिस्तान होगा जानवरों का। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता जानवरों का ही कब्रिस्तान होगा, इंसानों का भी तो हो सकता है। उसकी ये बात ने एक पल के लिए मुझे डरा कर रख दिया था। मैं उसको कहने लगा, अरे नहीं नहीं, इंसानों का कब्रिस्तान थोड़े ना हो सकता है, कब्रिस्तान के ऊपर घर बनाया गया है। ये तो सोचने में भी काफ़ी डरावना लगता है। फिर वो हंसने लगा था, अरे अरे डरने की बात नहीं है, चलो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो दो और बुजुर्गों के साथ था। वो सीधा का सीधा मेरे घर के अंदर आए, पीछे वाले गार्डन में वो खोदे गए खड्डे के अंदर देखने लगे, हाथों से हड्डियों को उठाकर देख रहे थे। ये तो किसी जानवर की लगती है, बड़ी वाली हड्डी है ना, और वहाँ छोटी छोटी हड्डियाँ पड़ी हैं, वो तो जैसे पंछियों की हड्डियाँ नहीं लग रही। बाकी भी कह रहे थे, हाँ पंछियों की हड्डियाँ लग रही हैं। मैं उन्हें बड़े वाले खड्डे की तरफ लेकर गया। ये देखिए, ये मुझे किसी जानवर की हड्डी नहीं लगती, ये इंसानी हड्डी ही है, खोपड़ी का हिस्सा लगता है ना, जैसे इंसान की खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा हो। उसने अपने हाथ से खोपड़ी का वो हिस्सा उठा लिया था और मैं कह रहा, अरे हाथ मत लगाइए, ऐसे ऐसे हड्डियों को हाथ नहीं लगाते जो ज़मीन के नीचे से निकलती हैं। उसने कहा, कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता तो है, तुम तो खेती के बारे में बहुत कुछ जानते हो, तुम्हें यह भी पता होगा ना, हड्डियाँ निकलती हैं तो क्या डरने की बात है। मैं ज़्यादा कुछ बोला नहीं। वो अपने हाथ से देखे जा रहे थे। फिर कह रहे, ये किसी बंदर की खोपड़ी भी हो सकती है, लेकिन हाँ बात तो मानने वाली है, आकार देखकर ये कह सकते हैं, इंसानी खोपड़ी की हड्डी भी ये हो सकती है। तो अब आगे क्या करना है? मैं कहता हूँ इन हड्डियों को यहाँ से निकालो, कहीं और खड्डा खोद कर वहाँ दफना दो, फिर तुम आसानी से अपने जो फल सब्जियाँ लगाना चाहते हो लगा सकते हो। मैंने कहा, बात वो नहीं है कि हड्डियाँ नीचे से निकली हैं और मैं कहीं और दफना दूँ, बात यह है कि इस जगह से इतनी हड्डियाँ निकल क्यों रही हैं। वो हंसने लगा, बाकी भी थोड़ा मुस्कुराने लगे थे। अरे आप यहाँ पर नए हैं, यहाँ घरों के नीचे से बहुत ज़्यादा हड्डियाँ निकलती रहती हैं, शायद कभी यहाँ जानवरों को दफनाया जाता हो, डरने की बात नहीं है। मैंने कहा, डरने की बात तो है, इंसानी हड्डी हो सकती है, ये पुलिस को बताना होगा, ऐसा तो नहीं कोई कत्ल का केस यहाँ से सुलझ जाए। वो मुझे रोकना चाहते थे, लेकिन मैं तो पुलिस को बताने को आतुर था। वहाँ का एक पुलिस स्टेशन, मैं सीधा वहाँ पर पहुँच गया। वो हड्डी एक लिफाफे में डाली हुई थी मैंने, और सीधा टेबल पर रख कर कहने लगा, ये मेरे पीछे वाले गार्डन से निकली है। और वो भी उस हड्डी को देखकर कहने लगे, बंदर की खोपड़ी का हिस्सा लगता है, लेकिन इंसानी हड्डी भी हो सकती है, ऊपरी हिस्सा है ना। मैंने कहा, जी मेरे घर के पीछे से निकल रही है, चलिए मेरे साथ। वो पुलिस वाले दो थे जो मेरे साथ आए थे, पीछे वाले गार्डन में उन खड्डों के बीच देख रहे। कई हड्डियाँ उन्होंने भी देखी, उठा उठा कर अच्छे से देख रहे। फिर वो खोपड़ी का हिस्सा लिफाफे में डालकर मुझसे पूछ रहे थे, क्या आपने और जगह भी खोदा है, बाकी जगह ढक दिया है? मैंने कहा, नहीं कुछ ही तो खड्डे किए हैं, इतनी हड्डियाँ निकल गई, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई बाकी जगह खोदने की। उन्होंने कहा, अच्छा तो यहाँ पर ऐसे हड्डियाँ निकल सकती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ ज़्यादातर घरों के नीचे से हड्डियाँ निकलती रहती हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप एक अच्छे नागरिक हैं, आपने सबसे पहले आकर पुलिस को बताया, मैं आपको एक सलाह दूंगा अगर आप माने। मैंने कहा, जी आप जो कहेंगे मैं वैसा करूँगा। उस पुलिस वाले ने वही चीज़ कही जो उन बुज़ुर्गों ने कही थी, ऐसा कीजिए आप किसी को बुलाइए, खड्डे खुदवाइए, जितनी हड्डियाँ निकलती हैं कहीं और दफना दीजिए, पीछे काफ़ी खाली जगह पड़ी है ना, वहाँ दफना दीजिए, आप अच्छे से यहाँ गार्डनिंग कर सकते हैं। मैंने उनसे पूछा, लेकिन यहाँ अगर इंसानी हड्डियाँ निकली मुझे कोई मुसीबत तो नहीं होगी? उन्होंने कहा, नहीं नहीं मुसीबत की कोई बात नहीं है, यहाँ पहले खाली जगह हुआ करती थी, कई छोटे छोटे गांव बसे हुए थे, कई कबीले थे, और यहाँ छोटे छोटे कई कब्रिस्तान हुआ करते थे। अब एक कोई खास जगह नहीं थी जहाँ कह सकते हैं कि कब्रिस्तान हो, ऐसे हर घर के नीचे कुछ हड्डियाँ निकलती ही रहती हैं। आपको तो पता ही है, जब कब्रिस्तान बनते हैं छोटे छोटे तो बहुत ज़्यादा बड़े इलाके में बनते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। कोई इंसानी हड्डी भी निकलती है आप पुलिस स्टेशन में बता सकते हैं। मैं ख़ास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखूँगा, आपको कोई परेशानी ना हो। मैं समझ सकता हूँ आप डर चुके हैं कि आपके घर के नीचे से हड्डियाँ निकली हैं और इंसानी हड्डियाँ भी हो सकती हैं, आप किसी केस में ना फंस जाएं। आपको आश्वासन देता हूँ किसी परेशानी में आप नहीं फंसेंगे। लेकिन क्या आप भूतों वूतों पर यकीन तो नहीं करते? आपको डर तो नहीं लगेगा ना पीछे कोई हड्डी निकली है जानवर की, इंसान की, जो कि हमें भी पता नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं उन चीज़ों पर यकीन नहीं करता। पुलिस वाले ने कहा हम भी नहीं करते, बस डरिएगा मत, वो तो मानसिक भ्रम होता है, आपको कुछ नहीं होगा, आप अपनी फल सब्जियां लगाइए, डरिए मत। पुलिस वाले ने एक आदमी को वहां पर भेजा था हड्डियों को दूसरी जगह दफनाने के लिए। मेरे पूरे के पूरे गार्डन को खोदकर नीचे से हड्डियां निकाल दी गई थी। उसके बाद दोबारा ज़मीन वैसी की वैसी हो गई। मैं खुश था, अब आसानी से गार्डनिंग की जा सकती थी। मैं अब उस मिट्टी के बीच में फर्टिलाइजर्स, वर्मी कंपोस्ट डालता जा रहा था, मिट्टी को मिलाता जा रहा था। फिर मैंने बीज डालने शुरू कर दिए। शाम का वक्त हो चुका था, आधी जगह पर बीज डाले थे मैंने, वहाँ थोड़ा पानी भी डाला। और शाम को इतना ज़्यादा थका हुआ था कि सैर के लिए बाहर जा नहीं सकता था। कुछ पड़ोसी आए थे, कह रहे थे चलो बातें करते हैं, आगे घूम कर आते हैं। मैंने कह दिया पीछे आज काफ़ी ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, कल बात करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। रात के वक्त मैं सो गया था, फिर से मेरी नींद खुली 11 बजे। उसके बाद अचानक दिमाग में पता नहीं उन हड्डियों का ख्याल कैसे आ गया। मैं डरता जा रहा था, बाहर भी थोड़ी थोड़ी हवा सी चल रही थी। पास के वो पेड़ थोड़ा थोड़ा हिल रहे थे और उनकी पत्तियां जो खिड़कियों पर टकरा रही, ऐसा लगता जैसे कोई खिड़की को खटखटा रहा हो। कुछ ज़्यादा खास नहीं हो रहा था, जो हो रहा था मेरे दिमाग में ही हो रहा था। मैं भूतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन वो फिल्में याद आने लगी जो मैं देखा करता था। उस समय डर जाया करता था, बाद में अगले दिन हंसा करता था, अरे भूत तो होते ही नहीं, रात को कितना डरा। वैसा वाला डर फिर से लग रहा था मुझे। ऐसा लग रहा था वो जो हड्डियाँ हैं ना, वो इंसानी ही हैं और उनसे जुड़ी हुई प्रेत आत्माएं आज रात मेरे साथ कुछ कर ना दे। ऐसी ऐसी बातें सोचकर मैं डरता रहा। 2 घंटे नींद नहीं आई, वो हवा चलती रही, पत्ते खिड़कियों पर टकराते रहे। सोच मेरी बार बार बदलती, समय समय पर मैं सोचने लगता भूत नहीं होते। फिर से एक आवाज़ खिड़की पर आती, मैं फिर से जैसे डर जाता, भूत आ गया, भूत आ गया। 2 घंटे घबराने के बाद अचानक मेरी आंख लगी। सुबह के वक्त जब नींद खुली, फिर मैं बेड पर बैठा था, पास में वो पानी का गिलास पीने के बाद सोचने लगा रात को क्या हुआ। चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये कोई नई बात नहीं थी, जब भी हम सोचते हैं हम भूतों से नहीं डरते, ये दूसरों को बताने के लिए होता है। मन में जैसे 1% वो ख्याल आते ही हैं, क्या हो अगर सच में भूत हो। इसीलिए मैं सोच रहा था अब तो मैं डरने वाला नहीं, रात को कितना ज़्यादा डर गया। चलो पीछे जाकर देखता हूँ। वो बीज मैंने आगे वाले हिस्से पर लगा दिए थे ना, वो पीछे वाले हिस्से पर भी मुझे वो बीज लगाने होंगे। और एक तरफ वाली वो मिट्टी जो मैंने खोदी है, अब वहाँ पर अच्छे से बीज लगाने के लिए उसे साफ करना होगा। पीछे वाला दरवाज़ा खोलकर जब मैं गया था, मैंने आंखों पर यकीन नहीं किया, ऐसा हो सकता है। पहले बड़ी बड़ी घास थी जिसकी कटाई मैंने पहले ही करवा दी थी। फिर मिट्टी को थोड़ा थोड़ा फावड़े से खोदा था, एक तरफ बीज लगाए थे, एक तरफ पूरी तरह से साफ मिट्टी थी, दोनों तरफ घास उग चुकी थी। ऐसा कैसे हो सकता है, रातों रात वो घास उग गई। मैं वो बीजों वाली जगह पर गया, वहाँ बीजों से जैसे छोटे छोटे पौधे निकल भी चुके थे एक रात में। दुनिया में ऐसी कोई खाद नहीं बनी जो एक रात में इस तरह 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 के पौधों को ज़मीन से निकाल दे छोटे छोटे रूप में। उन छोटे छोटे निकले हुए पौधों को देखकर मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यही तो मैं काम करता हूँ, मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो रहा। और ये घास बड़ी बड़ी इतनी जल्दी कैसे निकल आई। मैं उस घास को काटने में लग गया। वो छोटे छोटे पौधों को मैंने नहीं काटा, वो आधा इंच 1 इंच जितने ही निकले थे, लेकिन मैं सबको दिखाना चाहता था। घास को काटने के बाद मैं पीछे वाला काम करना नहीं चाहता था, सीधा मैं बाहर की तरफ निकला। दिन का वक्त हो चुका था, लोग बाहर सैर के लिए निकले हुए और जिन लोगों को मैं जानता था उनसे बात करते हुए मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता था, पूछ रहा, आइए मेरे साथ, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ यहाँ क्या से क्या हो जाता है। उन्होंने कहा, क्या से क्या हो जाता है? आप ज़्यादा घबराए हुए लग रहे हैं, हड्डियाँ निकली हैं, ज़्यादा डर तो नहीं गए ना, भूतों पर यकीन तो नहीं करते ना? मैंने कहा, वो भूतों वाली बात नहीं है, वो तुम्हें रात को थोड़ा डरा था, कुछ और दिखाना है आपको। 4 लोगों को घर के अंदर लेकर गया था, पीछे लेकर पहुंचा। वो पौधों को देखकर कहने लगे, अभी गार्डन बना नहीं है, आप क्या दिखाने के लिए लेकर आए? मैंने कहा, एक ही तो दिन हुआ है आए हुए, लेकिन ये देखिए मैंने बीज लगाए थे अलग अलग पौधों के, सभी पौधे जमीन से निकल चुके हैं। वो देखने के बाद सभी थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। फिर एक आदमी ने मुझसे कहा, बीज लगाए हैं तो पौधे ही निकलेंगे ना, और आप क्या सोच रहे थे क्या निकलेगा? मैंने कहा, एक ही दिन हुआ है, एक दिन में पौधे कैसे निकल सकते हैं, समय लगता है, ये कैसे हुआ? और घास, इतनी जल्दी घास कैसे आ सकती है? वो एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। फिर मेरी तरफ देखकर सबने मुझे समझाया, यहाँ की जो ज़मीन है ना बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, इतनी ज़्यादा उपजाऊ कि आप यकीन नहीं करोगे। मैंने कहा, मैं नहीं करने वाला यकीन, इतनी उपजाऊ कोई ज़मीन नहीं हो सकती। उन्होंने मुझे घर के अंदर बिठाकर ये अच्छे से समझाया, यह ज़मीन अलग है, यहाँ जो भी होता है बहुत ज़्यादा अलग होता है। कह सकते हैं कि कुदरत का वरदान इस ज़मीन को मिला हुआ है, कुदरत जैसे जिंदा ही है इस शहर में। मैंने अब उनकी बात मान ली, शायद ये वो चीज़ है जो मेरे लिए भी नई है। फिर हम और पेड़ पौधों के बारे में बातें करने लगे। मैं इस जगह के बारे में ज़्यादा जानना चाहता था, लेकिन वो मेरी बुरी आदत, ज्ञान बताते रहने की, मैं ज़्यादा बातें कर रहा था, वो बस सुनते जा रहे थे। फिर बात चलने लगी, कैसे ये दुनिया चलती है, कोई एक चीज़ जब मर जाती है उसे ज़मीन में दफनाया जाता है, जैसे कोई जानवर का शरीर। मैं उन्हें ये कह रहा था, वो जानवर का शरीर जैसे इस सृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका शरीर ज़मीन में दफनाया जाएगा या उसे जलाया भी जाएगा, लेकिन उसका भी एक कार्य होता है। जैसे इसी तरह एक चीज़ को दूसरी चीज़ खाती है, दूसरी चीज़ को तीसरी चीज़ खाती है, इस तरह से हर तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक का मरना दूसरे की जिंदगी के लिए ज़रूरी होता है। यह बात सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो कह रहे थे, आप कितनी अच्छी बातें करते हैं। मैंने कहा, मैं अच्छी बातें नहीं करता, मैं सच बोलता हूँ, अच्छी अपने आप लग जाती हैं। इससे पहले मैं जितना ज़्यादा डर गया था, उन लोगों से बात करने के बाद मेरा डर पूरी तरह से खत्म हो गया। सबके लिए जैसे ये साधारण बात थी। मैं उन लोगों के घरों के अंदर गया था, पीछे वाले गार्डन उनके देखे थे, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए, बहुत ज़्यादा फल लगे हुए। कई घरों के अंदर जाने के बाद मैं समझ गया, ये मिट्टी कुछ अलग है, इस मिट्टी में कुछ खास है जो मुझे समझना होगा। हरे छोटे छोटे पेड़ों पर इतने ज़्यादा फल, पत्तों से ज़्यादा फल कभी पेड़ पर नहीं लगते, यहाँ तो सभी के सभी फल फूल ज़्यादा लगते हैं। जैसे अलग अलग तरह के पेड़, कुछ ऐसे पेड़ भी थे जो मैंने ज़िंदगी में कभी देखे तक नहीं थे। एक घर के पीछे जब मैंने एक पेड़ देखा ना, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसमें जैसे 2 फल लगे हुए थे, बिल्कुल एक लड़के की तरह लग रहा, एक लड़की की तरह लग रहा। ऐसा फल मैंने नहीं देखा था। उनसे मैंने पूछा और उन्होंने जवाब दिया कि ये हाइब्रिड सा पेड़ है जो कभी कभी किसी घर में निकलता है और इसमें सिर्फ ये 2 फल ही लगते हैं, कभी कभी सिर्फ एक फल लगता है। इसे खाया नहीं जाता, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, काटा नहीं जा सकता, काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है। बस आप कह सकते हो कि दिखावे वाला पेड़, झूठा फल। मैं मुस्कुराया था, मुझे लगा सच में ये ज़मीन कुछ अलग है। फिर मैं घर आ चुका था। जब मैं पीछे गार्डन में गया, पहले जितना डर लग रहा था अब तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा। फिर मैं उस घास को देख रहा था जिसकी कटाई कर चुका था। वो हरे हरे पत्ते काले रंग के हो चुके थे, पूरी तरह से सूख चुके थे। जितनी जल्दी वो घास पैदा हुई, उतनी ही जल्दी जैसे मर भी गई। वो पौधे उतने ही थे। दूसरी जगह मैंने देखा, मिट्टी के अंदर से छोटी छोटी जड़ें निकली हुई, जैसे पास के पेड़ों से निकली हों। यहाँ जो भी हो रहा है बड़ी जल्दी जल्दी हो रहा है। मुझे शायद जल्दी से बीज लगा देने चाहिए। कुछ ही दिनों में यहाँ तो जितने भी सब्जियों के पौधे हैं ऊपर तक आ जाएंगे। फिर कुछ नया सीखने को मिलेगा। जल्दी जल्दी मैंने वो बीज लगाने शुरू किए, ज़्यादा समय बिताया ही नहीं, पीछे तक बीज लगा दिए थे। मैं दोपहर तक पूरी तरह से फ्री हो चुका था। घर के अंदर नॉवल पढ़ने लगा था, सीखने लगा था नई चीज़ें। शाम के वक्त बाहर घूमने के लिए गया, कुछ साथी बनाए, उनसे बातें की। अब इस टाउन के बारे में एक चीज़ का पता चला था, यहाँ जितने लोग रहते हैं सभ्य हैं, अलग अलग जगह से आए हुए लोग। कोई भी यहाँ पैदा नहीं हुआ, हर किसी को मेरी तरह ही अलग जगह पर जाने का शौक था। यहाँ पर सब लोग देश के अन्य हिस्सों से, दुनिया के अन्य हिस्सों से आए थे और यहाँ आकर बस कर रह गए। वो सब अपने बारे में बता रहे, इस जगह के बारे में बता रहे और बातें चलती ही रहीं। सबका स्वभाव बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ ज़्यादातर लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, वो भी अपने बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहते थे, बिल्कुल जैसे मैं। हो सकता है मेरी तरह कई अरबपति यहाँ पर हों जो खुद की पहचान छिपाकर इस तरह से शांति में जीना पसंद करते हैं। उनके बोलने का तरीका, उनके रहने का तरीका बहुत ज़्यादा सभ्य था, कोई किसी को परेशान नहीं करता था। मुझे भी ये जगह सबसे ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। रात के वक्त मैं थका हुआ था, जो भी फ्रिज में पड़ा था वही खाकर मैं बेड पर लेट गया। आधी रात को मेरी नींद इसलिए खुली क्योंकि कुछ आवाज़ों ने मुझे परेशान करके रख दिया। बार बार वो आवाज़ें कभी बेड के नीचे से आ रही थी, कभी किसी कमरे से आ रही थी। ज़्यादा कोई भयानक आवाज़ें नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चूहे रेंग रहे हों। रेंगने की वो आवाज़ें वो फर्श के नीचे से आ रही, दीवारों के पीछे से आ रही, दरवाजे के बाहर से आ रही। थोड़ी थोड़ी बाहर हवा चल रही थी, पत्ते ज़रूर सूखे हुए उन खिड़कियों पर टकरा रहे थे, लेकिन आज मुझे ज़्यादा नहीं डरा रहे थे। मैं पूरी रात सही से सो नहीं पाया, रेंगने की उन आवाज़ों ने मुझे जैसे डरा कर रख दिया था। सुबह के वक्त जब मैं उठा, मुझे लगा ये जो रेंग रहे चूहे हैं ना, घर के अंदर घुसे हुए होंगे। ऐसे चूहे जब घर के अंदर घुस जाते हैं, दीवारों के बीच के उस खाली हिस्से में भर जाते हैं, बीमारियां भी जैसे घर में आने लगती हैं। देखूं तो सही, मैं पीछे वाले गार्डन में जब गया था, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। केंचुए, बहुत ज़्यादा केंचुए, जो कि घर के नीचे से भी निकल रहे थे, पीछे वाली मिट्टी में भी निकल रहे थे। घर के आगे भी केंचुए ही केंचुए, पीछे भी केंचुए। वैसे अमूमन लोगों को केंचुओं से डर लगता है, देखने में सांप जैसे लगते हैं ना, लेकिन वो ज़मीन के लिए सबसे अच्छे होते हैं। जिस ज़मीन में केंचुए पाए जाते हैं उस ज़मीन को सबसे उपजाऊ माना जाता है। लेकिन इतने केंचुए कभी मैंने एक छोटी सी जगह पर नहीं देखे थे। मैं घर से बाहर निकला, पड़ोसियों को बताया। पड़ोसी ज़्यादा हैरान नहीं हुए, जैसे ही वो मेरे घर आकर देखने लगे इतने ज़्यादा केंचुए, वो कुछ हैरान हो गए थे। अरे इतने ज़्यादा केंचुए, यहाँ तो थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने कहा तो अब क्या कहें, अब मैं इसके बारे में जानता हूँ ये कोई बीमारी नहीं लाते, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा क्यों हैं। उन्होंने मेरी मदद की, पीछे वाली ज़मीन में सभी केंचुओं को डाल दिया गया था एक खड्डा खोदकर। मैं उन्हें जैसे वहाँ दफना चुका था, लेकिन मुझे ये चीज़ का पता था एक बार वो निकल कर बाहर आए हैं, बार बार आएंगे। लेकिन वो नहीं आए, वो उस ज़मीन में समा गए। सारे के सारे उस खड्डे में नहीं डाले थे, कई तो इधर उधर ज़्यादा संख्या में थे, लेकिन कुछ ही समय में जैसे वो भी ज़मीन के अंदर चले गए। रात को जैसे बाहर निकले थे, दिन के समय में ज़मीन में चले गए थे। ये बात पर डिस्कशन पूरा दिन चली थी, उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा बात की थी मैंने। कोई भी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन मैं पूछता भी तो किससे पूछता, इसमें एक्सपर्ट मैं ही था और मेरी ही समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उस रात भी ये सोचता सोचता सोया था, केंचुए बाहर तो नहीं आएंगे, लेकिन केंचुए दोबारा उस घर के अंदर नहीं आए, बाहर नज़र नहीं आए। अगले दिन सुबह जब मैं बाहर पहुंचा था, जो बीज मैंने पहले लगा रखे थे ना, कल केंचुओं के कारण उन पर ध्यान गया ही नहीं, वो बड़े बड़े पौधे बन गए थे। मैंने इतनी जल्दी 2 दिनों में बीज से पौधे बनते नहीं देखे, जिन पर सब्जियां भी लग चुकी थी। छोटे छोटे टमाटर लगे हुए, शिमला मिर्च लगी हुई, चारों तरफ पौधे ही पौधे थे। इतनी जल्दी कोई उपजाऊ ज़मीन पर इस तरह से ये पौधे लगते हैं। और पीछे वाला वो पेड़ जो 8 फुट ऊंचा हो चुका था, जैसे उस पर ध्यान गया ही नहीं। आज घास नहीं उगी थी, बिल्कुल खाली मैदान, घास नहीं। जो बीज लगाए वही पौधे उगे थे। यहाँ सब कुछ अजीब अजीब सा हो रहा। वो पीछे वाला पेड़ और उसके आसपास निकली हुई उसकी जड़ें जमीन के अंदर से सांप की तरह निकली हुई थी, जैसे कई जगह वो अपनी पीठ दिखा रहे हों। मैं उन जड़ों को बार बार जमीन में गड़ाने की कोशिश करता, काटना नहीं चाहता था, उससे पेड़ मर जाएगा। ये फूलों वाला पेड़ था, छोटे से पेड़ के ऊपर ही फूल लगे हुए, पत्ते कम थे, देखने में सुंदर लग रहा, इसीलिए मैं काटना नहीं चाहता था। मैंने एक तरफ आलू के छोटे छोटे पौधे भी लगाए थे, वो थोड़े बड़े हो गए और उनका आकार उतना था कि उसमें शायद आलू बन भी चुके होंगे। मैं ज़मीन खोदने लगा, मुझे लगा आलू छोटे आकार के होंगे ना, 2-3 दिनों में तो आलू बनते ही नहीं। ज़मीन खोदने पर बड़े बड़े आकार के आलू, लगभग मैं सही से कहूँ उनका घेरा 1-1 फुट था। इतना बड़ा आलू मैंने कभी नहीं देखा था। मैं खोदता जा रहा, यहाँ आलू भी एक पौधे पर 1-2 ही नहीं, कई लगे हुए, एक आलू के ऊपर एक आलू, काफ़ी अंदर तक। मैंने कुल 10 आलू निकाले थे, एक के नीचे जुड़ा हुआ एक। मैं सोच रहा ये कैसे हो सकता है, पौधा जैसे बदल ही गया हो। लेकिन मिट्टी खोदते खोदते एक कीड़ा जो ज़मीन के अंदर था, मैं उसे कीड़ा कहूँ या किसी पेड़ की जड़ कहूँ, वो हिल रहा सांप की तरह। उस कीड़े ने मुझे काटा था। उस कीड़े ने जब मेरी उंगली पर काटा ना, दर्द सा हुआ। मैंने हाथ पीछे की तरफ कर लिया, तब मैंने ध्यान दिया वो कीड़ा नहीं, सच में जड़ ही थी। गुस्से में था, मेरी उंगली पर काटा है, वो हिल रही जड़। मैंने पास में पड़े फावड़े से उस जड़ को काट दिया। जैसे ही उस जड़ को काटा, वो जड़ तड़पने लगी। मैंने मिट्टी में ही उसे दबा दिया। फिर मैं सोच रहा था ये कैसा अजीब सा जानवर था, जड़ थी, क्या थी ये, मुझे किसी को बताना होगा, ऐसा ना हो कि मुझे कोई नुकसान हो जाए। मैं पड़ोसियों के पास गया था, पूरी घटना के बारे में बताया था, और उन्होंने जो मुझे बताया वो मेरे लिए और भी ज़्यादा नया था। मैं जानता हूँ कई पेड़ पौधे शिकार कर सकते हैं, हल्का फुल्का हिल सकते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत तेज़ी से हिलने वाली जड़ों वाले पेड़, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। उन्होंने मुझे बताया जो पेड़ मेरे घर के अंदर लगा है ना, उसकी जड़ें थोड़ी सी खतरनाक होती हैं, ज़्यादा खतरनाक नहीं। ज़मीन के अंदर अगर कोई खोदने की कोशिश करता है तो वो हिलती हैं, उनके जैसे छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं, महसूस ऐसा होता है जैसे वो काट रही हों। शायद वो हिलते हुए आपकी उंगली पर टकरा गया होगा। छोटा सा जख्म था, उसने कहा ज़्यादा कुछ नहीं होता। यहाँ कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। इस सांत्वना से मेरा डर कम हुआ था, लेकिन मेरा दिमाग ज़रूर घूम रहा था। और क्या क्या चीज़ें हैं इन ज़मीन के नीचे, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। ऐसी ज़मीन जहाँ हिलने वाली जड़ों वाले पेड़ हैं, और ये पेड़ इतना खतरनाक साबित हो सकता है। काट दूंगा मैं इसे, काट दूंगा मैं इसे। मैं घर आ गया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान सी हो रही थी, तो मैं सो गया। मैं लगभग 12 घंटे तक सोता रहा, मुझे पता ही नहीं चला। मैं अगली सुबह उठा था, पूरा का पूरा दिन इसी तरह से निकल चुका था। मैं हैरानी भरी नज़रों से, जैसे ही मैंने घड़ी की तरफ देखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने तारीख देखी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। कहीं कहीं वो जो जड़ ने मुझे काटा था ना, जहर का असर तो नहीं हुआ, ये बात ने मुझे डरा दिया था। पीछे गार्डन में गया था, सब कुछ बदला हुआ था। जो मेरे पौधे थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके थे, लेकिन आसपास और नए तरह के पौधे निकले हुए, घास उगी नहीं थी। पीछे 2-3 पेड़ लग चुके थे, लेकिन देखने में एक जैसे ही पेड़ लग रहे, बिल्कुल एक आकार के, बड़े पेड़ के बराबर वो पौधे पेड़ बन चुके थे। आसपास नए तरह के पौधे फूलों वाले लगे हुए, जैसे मैं किसी और ही घर में पहुंच गया हूं। ये मेरा वाला गार्डन लग ही नहीं रहा था। मैं घर से बाहर निकला, अपने घर को देखकर यकीन हुआ ये मेरा ही घर है। मैं सड़क की तरफ देख रहा, वहाँ जैसे पेड़ बदले बदले से थे, ज़्यादा बड़े लग रहे, घास भी उगी हुई। यहाँ इस उपजाऊ ज़मीन में रातों रात सब कुछ जैसे बदल सा जाता है, लेकिन लोग नहीं बदलते। वहाँ लोगों को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ उनसे पूछ रहा, उन्हें पूरी बात बताई, वो भी थोड़े से डर गए थे। मुझे कह रहे इस टाउन में आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, वहाँ जाकर पूछना चाहिए, ऐसा तो नहीं वो जड़ के कारण आपको किसी तरह का रिएक्शन हो गया हो, आपको उससे एलर्जी हो। बाकियों के साथ तो कभी बुरा नहीं हुआ, आपके साथ कुछ हो ना जाए, आप वहाँ जाकर टेस्ट करवा लीजिए। मैं जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भागा था। टाउन में छोटा सा हॉस्पिटल बना हुआ और वहाँ के डॉक्टर से जब मैं बात कर रहा, वो अच्छे से चेकअप कर चुका था। काफ़ी शांत स्वभाव वाला वो डॉक्टर मेरे अंदर के डर को ख़त्म कर चुका था। उसने अच्छे से समझाया, वो कांटा था, उससे आपके शरीर में कोई जहर नहीं गया। हो सकता है आप ज़्यादा थके हों, इसीलिए ज़्यादा समय आप सोए रहे, शरीर में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। और वो पेड़ उसने मुझे दिखाया, वो हॉस्पिटल के पीछे भी लगा हुआ था, लेकिन ज़मीन के नीचे उसकी जड़ें जो बाहर आई हुई थोड़ी थोड़ी हिल रही। उस पर झंडे लगाए गए थे यूनाइटेड स्टेट्स के, वो ऐसा लग रहा था जैसे जड़ें झंडे हिला रही हों। और हंसते हुए उसने कहा था, यहाँ सभी इस पेड़ का काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाते हैं, लेकिन ये नुकसान नहीं करता। देखिए पीछे वो बच्चे खेल रहे हैं ना उन्हीं जड़ों के साथ। कभी कभी इन जड़ों पर कुछ कांटे होते हैं जो ज़मीन के नीचे होती हैं, उन जड़ों में वो थोड़ा सा लग जाते हैं, ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं है, बच्चे खेल रहे हैं, आप डरिए मत। उसने मेरे डर को ख़त्म किया। उसके बाद मैं घर आया, लेकिन मुझे शरीर में बदलाव महसूस तो हो रहा था। थका थका सा शरीर, काम करने का मन नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था मुझसे काम होगा ही नहीं। मैं गार्डन में बैठ गया था, पेड़ पौधे बदले बदले से, और मैंने देखा जो फलों के सब्जियों के पौधे मैंने लगाए थे ना, उनके आसपास निकले हुए वो पौधे उनके ऊपर जैसे छाने लगे थे। कई बेल जो मैंने नहीं लगाए थे उन पेड़ों का कचूमर निकाल रही, सांप की तरह लिपट चुकी थी उन पौधों पर और उन्हें धूप लगने नहीं दे रही। मेरे वो सब्जियों वाले पौधे अगले 2 दिनों तक मर चुके थे। बाकी घास पौधे वहाँ ज़्यादा उगने लगे थे और मेरे पसंद वाले पौधे ख़त्म हो चुके। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा कि ये गार्डन काफ़ी अच्छे से बनाया गया हो। मैं सब्जियां लगाना चाहता था, फल लगाना चाहता था, यहाँ भी सब्जियां लगी थी, फल लगे हुए थे बिल्कुल एक सीध में, लेकिन ये मेरे पसंदीदा नहीं थे। अपने आप ज़मीन से निकले हुए पौधों पर लगे हुए वो फल वो फूल, देखने में अच्छा गार्डन लेकिन अलग। और जो पीछे पेड़ था ना, जो मुझे लग रहा था बीच वाला पेड़ अलग है, बाकी पेड़ अलग हैं, असल में वो एक ही पेड़ था। ज़मीन में उसकी जड़ जाती है, कई जगह और पेड़ निकलते हैं, होता वो एक ही पेड़ है। बीच वाला वो मोटा पेड़, उसके बीच में लगा हुआ बड़ा सा वो फल, वो बिल्कुल इंसानी आकार का फल, पूरी तरह से सख्त, मेरे घर के अंदर भी लग चुका था। 2 दिनों में शरीर थोड़ा थोड़ा थका सा रहने लगा था, मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार चढ़ता। मैं उस अस्पताल में जाकर दवाई लेकर आता, थोड़ा असर तो हो रहा था, लेकिन उस डॉक्टर ने कहा था शायद आपको किसी चीज़ से एलर्जी हुई है, आपको कुछ रेस्ट करनी चाहिए, शरीर धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। उस फल के बारे में जब मैंने लोगों को बताया तो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, और लोगों ने मुझे नई बात बताई उस फल से जुड़ी हुई जो यहाँ पर संस्कृति के नाम पर किया जाता है। यहाँ पर माना जाता है जिस घर में वो फल लगता है उस घर में सुख समृद्धि का समय आ गया है। वो फल एक आकार का जब हो जाता है उसे तोड़ दिया जाता है, फिर ज़मीन में दफना दिया जाता है, और माना जाता है सुख समृद्धि अब इस घर में धीरे धीरे आती जाएगी और ये घर भी सुखी हो जाएगा हमेशा के लिए। मैं 2 दिनों तक देखता रहा था। अब उस फल का आकार एक सही स्थिति में पहुंचा और मेरे घर में भीड़ लग गई लोगों की। लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं थोड़ा थोड़ा बीमार रहा करता था, मेरी मदद उन लोगों ने की। वहाँ मेरे गार्डन में उस फल को तोड़कर दफनाया गया, वहाँ पर बहुत सारे फूल लगाए गए। मेरे घर में पार्टी हुई थी, वो पार्टी मैंने खुद की तरफ से दी थी, सभी खुश थे। उसके बाद मेरे शरीर को जैसे पता नहीं क्या हो चुका था, थका थका सा रहता। मैं भी अब सोचने लगा था मुझे यहाँ से बाहर निकलकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो डॉक्टर मुझे सही नहीं लगता। वो रात बड़ी अजीब सी थी। रात को खिड़कियों पर आवाज़ें आती रही थी, ऐसा लग रहा था घर के नीचे कुछ रेंग रहा हो। मुझे लगा केंचुआ होगा। जब मैंने रात को लाइट जलाई थी ना, घर के अंदर काले रंग की जड़ें आई हुई थी, हिलती हुई वो जड़ें जिन्होंने खिड़कियों को पकड़ रखा था। खिड़कियां भी पकड़ी जा चुकी थी। उसके बाद दरवाजे को भी पकड़ लिया गया था, जड़ों ने घर को घेर लिया था। मैं अब उस घर से बाहर निकलना चाहता था, मुझे कुछ गड़बड़ का आभास पहले से हो रहा था, लेकिन वो रात इतनी डरावनी निकलेगी मैं जानता नहीं था। वहाँ जड़ें फैलती गईं। एक घंटे बाद उस जड़ों के अंदर से जैसे टहनियाँ निकलने लगी, पत्ते फूल निकलने लगे, सब्जियाँ फल लगने लगे थे। घर के अंदर इस तरह से हालात थे और फ़ोन काम नहीं कर रहा था। मैं आवाज़ें लगा रहा पड़ोसियों को, लेकिन कोई भी मेरी आवाज़ का जवाब नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा था घर के बाहर आवाज़ जा ही ना रही हो। मैं बस यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। शरीर पहले से थका हुआ, शरीर पर अपने आप निशान बनने लगे थे। वो रात अपने आप निशान तेज़ी से बनते जा रहे। मेरा वो जो ज़ख्म था वो बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मेरी उंगली पूरी काली फिर गई हो, फिर पूरा हाथ काला फिर गया। आधी रात का वक्त था। घर में पड़े वो फावड़े, वो कुल्हाड़ियाँ, मैं जड़ों को काट रहा। वो जड़ें भी बड़ी तेज़ी से खुद को ठीक कर रही। काट काट कर मैं वहाँ से बाहर निकलना चाहता था। दरवाजे पर पेड़ लग चुका था। वो बेल, वो जड़ें, मुझे बाहर कोई जाने नहीं देना चाहता था। जैसे ये पेड़ जिंदा हों। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। शुरू में ही जब इस मिट्टी से इतनी तेज़ी से सब कुछ निकल रहा था, मुझे इस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए था। लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते। ये पेड़ जिंदा हैं, यह ज़मीन जिंदा है। यहाँ जो भी होता है वो शायद सबको पता है, किसी ने मुझे बताया नहीं। चीखता रहा था, मैं चीखता रहा था। वो जड़ों को पार नहीं कर पाया। मैं घर से बाहर नहीं निकल पाया, घर के अंदर ही। सांस भी घुटने सी लगी थी, लेकिन उससे ज़्यादा बुरी चीज़ मेरे शरीर को जैसे काला काला सा होते हुए मैं खुद देख रहा। मेरी एक बाजू पूरी तरह से काली हो गई थी। मैं उस बाजू को हिला नहीं पा रहा। एक टांग भी चलनी मेरी बंद हो गई थी। मैं एक टांग के सहारे छलांगे लगाता हुआ कोशिश तब भी कर रहा था। वो फूलों के अंदर से मैंने जैसे खिलती हुई आंखें देखी, टहनियों पर लगी हुई वो आंखें जो फूल के अंदर से निकली थी। झपक रही वो आंखें मुझे एहसास दे रही थी, ये भूतिया जगह है। हड्डियाँ निकली थी। शायद मुझे भूतों पर यकीन करना चाहिए था। मैंने हर तरह के ख्यालों को सोचा। फिर मैं ज़मीन पर गिर गया था। कमज़ोरी महसूस होने लगी। आधा शरीर मेरा काला हो गया था। खोपड़ी हिस्से पर भी बीमारी की तरह वो कालापन छाता जा रहा। इंतज़ार कर रहा था सुबह का वक्त हो जाए। सुबह के वक्त कोई ना कोई तो मदद के लिए आएगा ना। ये जड़ें, ये फूल घर से बाहर निकलते हुए दिखेंगे। कोई ना कोई मदद के लिए आएगा। शायद कोई आ जाए। इंतज़ार था बस मुझे। जब मेरी गर्दन तक वो कालापन आ चुका था, मैं बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ देख ही पा रहा था। धीरे धीरे वो जड़ें जैसे ज़मीन में समाने लगी थी। घर के इर्द गिर्द फैले हुए वो सभी पौधे अपने आप ज़मीन में समाने लगे। वो घर पूरी तरह से खाली सा हो गया, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। मुझे कोई तो बचाए, बस मन में कहे जा रहा। धीरे धीरे मैंने देखा बाहर भीड़ लग रही थी। घर के अंदर झांक रहे वो लोग। मैं पलके छपक छपक कर उन्हें कहना चाहता था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो दरवाज़ा तोड़कर लोग सीधा घर के अंदर आए थे। मुझे अंदर से खुशी हुई, मेरी मदद करेंगे। उन्होंने मुझे उठाया। वो मुझे बाहर नहीं लेकर गए, मुझे गार्डन में लेकर गए। देख रहा था मैं उनकी तरफ। सब बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे काले शरीर को देखकर किसी को जैसे बुरा नहीं लग रहा था। मैं समझने लगा था ये पूरे टाउन में, पूरे शहर में कुछ है, कोई राज इनका। ये मुझे मार डालेंगे सब मिलकर। उन्होंने खड्डा खोदना शुरू कर दिया। जहाँ वो फल को दफनाया था उसके पास में एक खड्डा खोदा। फल तो काफ़ी छोटे से खड्डे में दफनाया गया था, लेकिन मेरे लिए जो खड्डा खोदा गया बहुत ज़्यादा गहरा खोदा गया था। मुझे उस खड्डे में डाला गया। मेरे मुंह पर भी वो कालापन जैसे आ चुका था। मैं महसूस कर पा रहा था। शरीर मेरा हिल नहीं पा रहा। मुझे अंधेरा अंधेरा सा महसूस हो रहा, धुंधला धुंधला सा दिखने लगा। और उसके बाद वो जैसे मेरे ऊपर अभी मिट्टी डाल नहीं रहे थे। मुझे लगा वो मेरे ऊपर मिट्टी डालेंगे, मुझे जिंदा दफना देंगे। लेकिन जैसे जैसे आंखों के सामने अंधेरा आता गया, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, जैसे मौत ने मुझे आगोश में ले लिया हो। अचानक मेरा थोड़ा सा दम घुटा। वो मरने से पहले आखिरी कोशिश होती है ना ज़रा हिलने की। मैं हिला। मुझे ऊपर मिट्टी सी महसूस हुई। कपड़ा सा महसूस हुआ। मैंने जल्दी से धक्का दिया। मैंने खुद को मिट्टी से बाहर निकाल लिया था। मैं जैसे ही मिट्टी से बाहर निकला, वो पूरी भीड़ तालियां बजाने लगी थी। उनकी वो तालियों ने मुझे और ज़्यादा डरा दिया, लेकिन मैं घबराया हुआ घर से बाहर भागना चाहता था। दो लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैं उन्हें धक्के दे रहा, छोड़ो मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, तुम दफना दोगे मुझे। उन्होंने कहा, हम नहीं दफनाएंगे। हम क्यों दफनाएंगे आपको? आप जिंदा हैं। मैंने कहा, मैं देख चुका हूँ, मुझे दफनाया तुमने, मुझे दफनाया। वो तो मेरी हिम्मत है, मैं उठ गया। उन्होंने मुझे पकड़ा, मुझे कहा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, घबराइए मत। आप घबरा क्यों रहे हो? आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ हो क्या रहा है। जैसे ही मुझे पकड़कर उस खड्डे के पास ले जाया गया, मुझे लगा फिर खड्डे में फेंकेंगे, इस बार मिट्टी डाल देंगे। मैंने उस खड्डे के अंदर अपनी काले रंग की लाश को देखा था। मेरी वो लाश वहीं पर बिल्कुल सीधी, और मैं हैरान, हक्का बक्का। ये क्या? ये मेरा शरीर यहाँ कैसे? उन्होंने कहा, तुम्हारा वो पुराना शरीर, कमज़ोर शरीर, वो जा चुका है। कुदरत का आधुनिक उन्नत शरीर तुम्हें मिल चुका है। हैरान परेशान मैं सवाल पूछ रहा था, ये क्या है? तब उन्होंने मुझे बताया, इस उपजाऊ ज़मीन में कुदरत की वो शक्ति वास करती है, वो कुदरत का करिश्मा। ये ज़मीन सिर्फ उपजाऊ पेड़ पौधों के लिए ही नहीं है, ये पूरी सृष्टि के लिए उपजाऊ ज़मीन मानी जाती है, जो बदलाव लाती है, जैसे तुम्हारे शरीर में बदलाव लाया गया है। तुम्हारे पुराने शरीर को वहाँ सड़ने के लिए, कंपोस्ट खाद बनने के लिए डाल दिया गया है। नया शरीर तुम्हें मिल चुका है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये शरीर उन्नत शरीर है, कोई बीमारी नहीं लगेगी, तुम बीमार नहीं पड़ने वाले। अब इस शरीर में तुम्हारी उम्र भी काफ़ी लंबी होगी, जैसा कि सबके साथ हुआ है। मैंने कहा, मैं ये नए शरीर में? उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है, घर में जो लगा पेड़ और उसका लगा वो बिल्कुल इंसानी शरीर जैसा छोटा सा फल, वो क्या था? वो एक शरीर में बदलता और तुम्हारी वो आत्मा उस शरीर में आ गई। कुदरत का करिश्मा जो यहाँ आम तौर पर होता ही है, जब भी कोई नया यहाँ पर आता है। मैं उनकी बात नहीं मान रहा था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वहाँ से मैं भागा और उनमें से किसी ने मुझे रोका नहीं। वो कह रहे थे, तुम किसी को बता नहीं पाओगे, कोई यकीन नहीं करेगा। बदलाव सृष्टि करती है, कुदरत जिंदा है, पेड़ पौधे जिंदा हैं, एक ही रूह है इन सब में। मैं वो टाउन छोड़कर भागा था। जब मैं अपने घर, अपने असली घर पहुंचा, मैं कंप्लेंट कर चुका था पुलिस वालों को भी। मैंने हॉस्पिटल में अपनी चेकिंग भी करवाई थी, लेकिन अंत में मुझे ही पागल कहा जा रहा था। मेरा शरीर बिल्कुल वैसा था, मेरे फिंगरप्रिंट्स भी वहीं थे। वो कह रहे, तुम्हारा शरीर बदला है, तुम पागल तो नहीं हो रहे? मुझे मेरी कंपनी वाले भी यही कह रहे थे। किसी को यकीन नहीं दिला पाया। अपने साथ कुछ लोगों को लेकर उस टाउन में पहुंचा था। रातों रात कुछ नहीं बदल रहा था, जैसे वो कुदरत, वो मिट्टी, वो ज़मीन, वो पेड़, सब कुछ सोच समझ सकते हो कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। 6 महीने में भागता रहा था, ये सच बाहर लाने की कोशिश करता रहा था, स्कैम कहकर। लेकिन अंत में मुझे जब मेरी कंपनी से निकाल दिया गया, तब मैं जान पाया था, ये दुनिया आपके लिए सच्ची नहीं होती। सिर्फ आपकी कमाई, आपका धन ही उनके लिए ज़रूरी होता है। ज़िंदगी आपको अकेले ही जीनी पड़ती है। मायूस होकर मैं उसी टाउन में दोबारा गया था, और वो लोगों ने मेरा तहे दिल से स्वागत किया था। अपनेपन का एहसास हुआ था मुझे। ऐसा लगा था जैसे जहाँ से मैं आया हूँ वहीं पर पहुँच गया। मैंने कई बार सवाल पूछे थे, क्या मैं दर्दनाक मौत से तो नहीं मरूंगा? यहाँ मुझे फंसाया तो नहीं जाएगा? उन्होंने कहा था, तुम्हारी आज़ादी तुम्हारे हाथ में है, यहाँ रहना है या कहीं और रहना है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम्हें नया शरीर दे दिया गया है, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो। 4 महीनों से मैं इसी टाउन में रहने लगा था। पेड़ पौधों को महसूस कर पाता था, जैसे बातें ही कर पाता हूँ। किस पेड़ पर किस फल को लगाना है ये मैं बता सकता हूँ। मुझे कितने पौधे चाहिए कितने नहीं चाहिए, घास उगे या ना उगे, ये सोच पर निर्भर था। जैसे मैं जुड़ चुका था उस ज़मीन से। और 4 महीने बाद जब वहाँ पर रहने वाले 2 जोड़े आए थे, नया घर खरीदा था उन्होंने, वो भी वही सवाल पूछा करते थे जो मैंने पूछे थे। मैं उनका हिस्सा था, सच अभी थोड़े ना बताना था, वो भी धीरे धीरे समझ ही तो जाते। ये ज़मीन के राज इस ज़मीन तक ही सीमित रहने चाहिए। कभी आप भी इस जगह पर आए, आपको पता नहीं होगा आप कहाँ आए हो, लेकिन अगर मैं आपको मिला शायद कुछ दिनों में या कुछ महीनों में आपको भी पता चल जाएगा ये जगह कैसी है, और आप भी मेरे साथ शायद यहीं पर रहना शुरू कर देंगे इसका हिस्सा बनकर।